काम है इस बला की खूबसूरत हसीना की धमाकेदार पारी, आरसीबी की लगातार पांचवी हार। लाखों आशिक, बला की खूबसूरत खिलाड़ी की ऐसी तूफानी बैटिंग, एक झटके में दिल हार गए फैंस। इस खूबसूरत हसीना ने मैदान पर ऐसा बिखेरा जलवा कि दर्शकों ने भी रख लिया दिल पर हाथ। इस महिला खिलाड़ी की बैटिंग देख लोगों को आई एवी डिविलियर्स की याद, मैच हार कर भी दिल जीत लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच महिला आईपीएल 2023 में 11वां मुकाबला 13 मार्च को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भी आरसीबी और उनके फैंस के हाथ सिर्फ निराशा लगी, क्योंकि स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टूर्नामेंट में लगातार अपना 5वां मुकाबला हार गई। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में बेंगलोर को 6 विकेट से शिकस्त दी। हालांकि आखिरी ओवर तक मैच का रोमांच जारी था, तो आइए ऐसे में जानते हैं कि इस दिलचस्प मुकाबले में क्या क्या घटा। दिल्ली कैपिटल की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ऐसे में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाए। आरसीबी के लिए स्टार बल्लेबाज एलिसा पेरी ने नाबाद 67 रनों की जबरदस्त पारी खेली। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने भी 16 गेंदों में तेज गति से 37 रन बनाए। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज शिखा पांडे रही, उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 23 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके अलावा अमेरिका की तारा नॉरिस के हाथ भी एक सफलता लगी। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर एलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक और उम्दा पारी खेली। यूपी वॉरियर्स के खिलाफ पिछले मैच में 52 रन बनाने वाली पेरी नंबर 3 पर उतरी और 52 गेंद पर 67 रन बनाकर नाबाद लौटी। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए। इस मैच में 5वें नंबर पर उतरी ऋचा घोष ने महज 16 गेंदों में 37 रन ठोक दिए। उन्होंने 3 चौके और इतने ही छक्के जड़े। WPL में सबसे खूबसूरत खिलाड़ी माने जाने वाली पेरी की यह टूर्नामेंट में दूसरी हाफ सेंचुरी है। उन्होंने अभी तक लगभग 50 के औसत से रन बनाए, जबकि 140 के आसपास की स्ट्राइक रेट है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग के इस मैच में पेरी और ऋचा की कोशिशों से बैंगलोर की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 151 रनों का टारगेट दिया। टूर्नामेंट में पहली जीत की तलाश में जुटी आरसीबी की टीम पेरी और ऋचा की पारियों से अंतिम 6 ओवर्स में 82 रन जोड़ने में कामयाब रही। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शिखा पांडे सबसे सफल गेंदबाज रही, उन्होंने 23 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मारिजान काप ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। दिल्ली की कप्तान मेग लैनिंग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बैंगलोर के कप्तान स्मृति मंधाना एक बार फिर बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। बैंगलोर की टीम पावर प्ले में 1 विकेट पर 29 रन ही बना सकी। बैंगलोर के बल्लेबाजों को दिल्ली के तेज गेंदबाज और स्पिन मिश्रित आक्रमण के खिलाफ बीच ओवर में रन गति में इजाफा करने में परेशानी हुई। हालांकि स्मृति मंधाना की टीम मैच नहीं बचा सकी, उसे 6 विकेट से हार मिली। ये उसकी लगातार 5वीं हार है। इसके साथ ही उसका अभी तक खाता भी नहीं खुला है। दिल्ली कैपिटल्स ने 151 रन का लक्ष्य 2 गेंदे और 6 विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए एलिस कैप ने सबसे अधिक 38, जेमिमा रोड्रिग्स ने 32 और मारिजान कैप ने नाबाद 32 रन और जेस जॉनसन ने नाबाद 29 रनों की पारी खेली। ये दिल्ली की 5 मैचों में 4थी जीत है। केप और जोनासन ने अंत में जमकर चौके छक्के लगाए और दिल्ली को ये मैच जितवा दिया। वो इस सीजन में सिर्फ मुंबई इंडियंस से एक मुकाबला हारी है। इसके अलावा अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो मुंबई 10 अंकों के साथ इस समय टॉप पर चल रही है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 8 पॉइंट के साथ उनके पीछे दूसरे पायदान पर बनी हुई है।